जय हिंद दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले की कल्पना कीजिए, जब आपको बैंक में जाना होता था तो वहां पर काफी भीड़ होती थी और लंबी लाइन में लगना पड़ता था। छोटे से काम के लिए काफी सारा वक्त खराब हो जाता था। उस समय न तो कोई कंप्यूटर और न ही कोई डिजिटल का सिस्टम था और बैंक की ब्रांच भी आपस में जुड़ी हुई नहीं होती थी। अगर बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम होता था तो जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट होता था हमें उसी ब्रांच में जाना पड़ता था। क्योंकि उस समय डिजिटल सिस्टम नहीं था तो पैसे केवल नकदी में ही मिलते थे और साथ ही में बैंक वालों से काफी नोकझोंक भी हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले 8 से 10 सालों में ये स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अब बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो तो कंप्यूटर या मोबाइल से डिजिटल बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही हम कर लेते हैं। अब इस दिशा में देश ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। डिजिटल बैंकिंग के नए सिस्टम को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो भी आप डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है DBU, यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब आपके सारे काम बिना फोन, बिना इंटरनेट के ही हो जाएंगे। अब आपको बैंक में जाकर लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है और बैंक कर्मियों से छोटे छोटे काम के लिए उलझने का तो झंझट ही खत्म हो गया है। चाहे आपको बैंक में खाता खोलना हो, चाहे ATM कार्ड का काम हो, चाहे चेकबुक का काम हो, कहीं पर पैसा भेजना हो, ऐसे सभी कामों के लिए अब बैंक वालों से माथापच्ची करने का झंझट खत्म हो गया है। दोस्तों, देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत हो चुकी है। देश को डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ाने में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, वो इंसान इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में जाकर खुद से ही बैंकिंग कर सकता है। अब किसी बैंक बाबू के सामने हाथ जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है और न ही आपको लंबी लाइनों में लगकर समय को बर्बाद करने की आवश्यकता है। तो आखिर दोस्तों, यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया, चलिए जानते हैं। तो पहला सवाल कि ये DBU यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है और एक आम इंसान कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, DBU को समझने से पहले आपको कुछ आंकड़ों को समझ लेना चाहिए। दरअसल पिछले 8 से 10 सालों में लगातार यह कोशिश की जा रही है कि आम आदमी तक बैंकिंग की सुविधाएं कैसे पहुंचे। पिछले 8 से 10 सालों में देश ने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में जो गति पाई है वो अभूतपूर्व है। आप बीते कुछ आंकड़ों को ही देख लीजिए। मार्च 2010 में देश में करीब 33,000 बैंक ब्रांचेज थी और ताज़ा रिपोर्ट दिसंबर 2021 में यह आंकड़ा 33,000 से बढ़कर 53,000 पहुंच चुका है, यानी करीब 20,000 नई शाखाएं देश में खुल चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में भारत में 35.23% लोगों के पास ही बैंक के खाते थे, जो 2021 में बढ़कर 77.53% हो गया है। और इससे भी बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक मित्र हुआ करते थे, जो घर घर जाकर बैंक सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, इनका आंकड़ा भी मार्च 2010 तक करीब 3,40,000 के आसपास ही था, जो दिसंबर 2021 तक चौंकाने वाला आंकड़ा प्राप्त हुआ है। ये करीब 19,00,000 से भी ऊपर जा चुके हैं। इनमें भी ज्यादा गति तो 2020 और 2021 में देखने को मिली। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 2020 और 21 वो दौर था जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी बनी हुई थी और देश में कई बार लॉकडाउन लगा था। इसके बावजूद भी इसमें जबरदस्त तरीके से प्रगति हुई है और ये आंकड़ा आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। दोस्तों, सोचकर देखिए कि जिस समय पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, अगर देश में उस वक्त डिजिटल बैंकिंग सिस्टम जो आज हम यूज कर रहे हैं वो नहीं होता तो क्या होता। उस समय भी हम घर पर बैठे बैठे ही अपने बैंक सिस्टम से पूरे तरीके से जुड़े हुए थे। हम अपने पैसे इधर से उधर कर पा रहे थे, यानी हमारी पहुंच घर पर बैठे बैठे ही बैंक तक बनी हुई थी। और एक बैंक ही होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखता है। दोस्तों, अब आपको डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में बताते हैं। दरअसल डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी कि DBU ATM मशीन के जैसे एक मशीन ही होगी। जैसे अभी आप डेबिट कार्ड से ATM में जाकर पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जाकर के बैंक का सारा काम खुद से ही कर सकते हैं। इसमें बैंक के जैसे ज्यादा स्टाफ नहीं रहता है, केवल एक मशीन रहती है।
यानी एक तरह से सेल्फ सर्विस है। जो सुविधाएं आपको चाहिए वो आप खुद से ही ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो वहां पर मौजूद कर्मी रहेंगे जो आपकी मदद कर देंगे। जैसे एटीएम के बाहर एटीएम गार्ड होता है जो किसी को थोड़ा बहुत गाइड कर देता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास इंटरनेट मोबाइल फोन नहीं है तो वहां पर सब कुछ उपलब्ध होगा। चलिए दोस्तों, अभी आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में जाकर के हम कौन कौन सी सुविधाएं ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम उस बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। इसके लिए ईकेवाईसी या वीडियो केवाईसी के जरिए वेरिफिकेशन भी हो जाता है। अपना बैलेंस जान सकते हैं। इसके अलावा पासबुक प्रिंट करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे और फिर सुनने को मिलता था कि आज तो प्रिंटर खराब है। उसके अलावा हमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी भी करा सकते हैं। अगर हमें लोन चाहिए तो लोन का फॉर्म भर सकते हैं, यानी यहाँ से लोन भी मिल सकता है। किसी भी जारी हो चुके चेक पेमेंट को भी रुकवा सकते हैं और यहीं से हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स को भर सकते हैं, कई प्रकार के बिल भी भर सकते हैं, नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। यानी कि आपको बैंक जाने और वहां के कर्मचारी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरह से आम आदमी के हाथों में उसके पूरे अकाउंट का पूरा कंट्रोल आ चुका है। दोस्तों, अब आपको इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट के सबसे बड़े फायदे बताते हैं। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि देश के ग्रामीण इलाकों में जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी कमी है, वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि वो खुद अपने खाते को मैनेज कर पाएंगे, उनको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा, उनके खाते से कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि अब आम आदमी भी डिजिटल बैंकिंग कर पाएगा। तीसरा फायदा ये कि जिसके पास मोबाइल फोन कंप्यूटर यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं है, वो भी अब डिजिटल बैंकिंग कर पाएंगे। चौथा फायदा ये कि अब तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ करीब 20 करोड़ भारतीयों तक ही पहुंचा है। अभी भी करोड़ों नागरिक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। डीबीयू से वे भी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का फायदा ले पाएंगे, यानी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को और ज्यादा गति मिल पाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा कि डिजिटल बैंकिंग से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि यह सुविधा 24/7 हावर्स मौजूद रहेगी, यानी बैंक बंद रहेंगे तो भी आपका काम नहीं अटकेगा। अब तक सरकार ने जिन भी बैंकों को सिलेक्ट किया है, उन बैंकों ने देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मशीन सेटअप कर दिए हैं और धीरे धीरे देश भर में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के दूसरे देशों में भी अभी यह सिस्टम नहीं बना है कि वो अपने खाते को डायरेक्ट एक्सेज कर सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि डिजिटल सेवाओं से लोगों को जोड़ने में हम दूसरे देशों से पीछे रहे हैं। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी तुलना में हमने देर से शुरुआत की, लेकिन जब आज की स्थिति को हम देखते हैं तो आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि हम अमेरिका और यूरोप से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आज वो हमारे आसपास भी नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में आज भारत वर्ल्ड लीडर बन चुका है और इन देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। और हाल ही में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि भारत का जो डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम है, यानी सीधे लोगों के खातों में पैसे भेजना और वो भी बड़े पैमाने पर, करोड़ों अकाउंट में सीधे एक झटके में पैसा जा रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा आज देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में एक अनोखी मिसाल है। और दुनिया के कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आज भारत से दूसरे देशों को सीखने की जरूरत है। और भारत ने जो UPI सिस्टम बनाया है उसे देखकर तो अमेरिका की भी सांसें फूल चुकी हैं। कभी अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड का वर्ल्ड में डंका बजता था, लेकिन आज भारत के UPI सिस्टम की पूरी दुनिया दीवानी है। और दुनिया के कई देशों ने UPI सिस्टम को अपने देश में लागू करने की बात कही है और इसके लिए भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत के बैंकों की भी बड़ी तारीफ होती है। आज हम बैंक में अपने पैसे डाल करके एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा पैसा सही हाथों में है और वो कहीं चोरी नहीं होगा। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में जहां पर लोगों के पैसे बैंक में तो है, लेकिन लोगों को सीधे उनका एक्सेज नहीं मिला हुआ है। इसका छोटा सा उदाहरण है, जैसे हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारे पास OTP आता है, लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि दूसरे देशों में ये वाला सिस्टम नहीं होता है।
लेकिन हमारे यहाँ OTP का सिस्टम रहने से हमारा पैसा और अकाउंट पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। आज हमारे देश के वॉच डॉग्स जैसे कि RBI और SEBI की पूरी दुनिया तारीफ करती है कि कैसे वो इतने बड़े देश में बैंकिंग को इतना बढ़िया मैनेज कर पा रहे हैं। देश के सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है और इतने अच्छे से रेगुलेट करता है कि हमारे देश में आज तक बैंकिंग फेलियर का कोई नाम भी नहीं आया है। और अगर बाय चांस ऐसी कोई स्थिति आती है तो जितनी तेजी से वो बैंक और डिपॉजिट्स को बचाते हैं वो वाकई में एक मिसाल है। दोस्तों, अगर किसी देश के बैंकिंग मजबूत होती है तो वो देश भी मजबूत होता है। दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का एक फायदा और भी है कि अब तक लोगों को लोन को लेने में दिक्कत आती थी। बैंक हर किसी को लोन नहीं देता था क्योंकि बैंक को ये पता नहीं होता था कि किसकी इनकम कितनी है। लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम से आजकल छोटे दुकानदार भी पेटीएम, फोन पे और UPI को यूज करते हैं। अब बैंकों को ये पता रहता है कि महीने का कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, चाहे वो UPI से हो, नेट बैंकिंग से हो या मोबाइल बैंकिंग से हो, और इस प्रकार से उसकी एक डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। फिर बैंक उसकी एक महीने या 6 महीने की हिस्ट्री को देखकर लोन देने में आसानी कर देता है। दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग के फायदे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो डिजिटल बैंकिंग के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हम जब भी फ़ोन से डिजिटल बैंकिंग करते हैं, पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं, तो कई बार फ़ोन से पैसे निकल जाते हैं। अगर हमने गलती से किसी को OTP बता दिया तो हमारा अकाउंट साफ हो जाता है। गलती से अगर किसी लिंक को ओपन कर दिया तो भी अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, रिस्क तो है ही, बिल्कुल रिस्क है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे ही नहीं तो हमारा टेक्नोलॉजी को लेकर बनने वाला डर बाहर कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमें पूरा सतर्क रहकर काम करना पड़ेगा। अगर हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क तो वहां पर भी रहता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क पर गाड़ी ही चलाना छोड़ दें। अगर समस्या है तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमें ही खुद को ढूंढने होंगे। खैर दोस्तों, RBI के जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है वो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।